गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कई जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने मरीज और तीमारदारों से मारपीट, लूट और हत्या के प्रयास सहित दर्जन भर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्यवाही बीते 10 सितंबर को बीआरडी में हुई मारपीट के तहत किया है। इसके विरोध में आज जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा प्रिंसिपल कार्यालय के समक्ष चलाकर विरोध दर्ज कराया और कॉलेज प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टरों के ऊपर हुए एफआईआर को वापस लिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बीते 10 सितंबर को शाहपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी शिव कुमार की चाची के इलाज के दौरान जूनियर डॉक्टरों और परिजनों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई थी। इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने तहरीर दी थी। इसके बाद शिव कुमार सिंह ने बीते दिन इन जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। जूनियर डॉक्टरों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टर एकजुट हो गए और कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ओपीडी कार्य विभाग में बने कमरों में ना करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने परिसर में खुले आसमान के नीचे मरीजों का इलाज किया। अभी तो नहीं खींचेगा, एक तरफ यार और मत आ। जूनियर डॉक्टरों का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिवेदी ने कहा कि जब तक कॉलेज प्रशासन सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नहीं कर देता, साथ ही डॉक्टरों पर हुए एफआईआर को वापस नहीं करता है, तब तक ओपीडी बाहर ही की जाएगी। बीते दिनों हुए मारपीट के दौरान घायल हुए डॉक्टरों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम डॉक्टर हैं, अपराधी नहीं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने हमारे संवाददाता से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन प्रकरण के जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इलाज कराने आए एक परिजन ने जूनियर डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं लेकिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 10 तारीख की घटना है। मरीज भर्ती था, उनके कुछ तीमारदार आए, हमारे यहाँ रेजिडेंट काम करते हैं, सर्जरी के रेजिडेंट थे, 20-22 घंटे वो काम करते हैं, तो कुछ न कुछ झल्लाहट रहती है। लेकिन अब उसी में क्या हुआ, प्राइवेट पार्ट पे कुछ इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, वो तीमारदार झांक रहा था। सर्जरी के रेजिडेंट ने उनको बताया कि ऐसा है, आप इसको मत देखिए, ये काम प्राइवेट काम है, ये पर्सनल काम है, इसको आप मत देखिए। वो 2-3 बार के बाद उन्होंने उस रेजिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक की जो ये घटना हुई है उसमें 5-6 लोग थे, वो 2-3 रेजिडेंटों को कायदे से मारा उन्होंने। मारने के बाद वो लोग चले गए। 1-1.5 घंटे के बाद वो लोग हाकी लेकर के, हथियार लेकर के, ये सारी चीज़ें लेकर के वो आते हैं और वो हमारे जितने रेजिडेंट हैं सर्जरी के, जो उनको मिला सबको उन्होंने मारा, उसमें स्टाफ और सारे लोग शामिल थे, सबको मारा उन्होंने जैसे पाया उन्होंने। सारी घटना से सारे रेजिडेंट बहुत क्षुब्ध थे। हम लोग आए, कॉलेज प्रशासन से बात किए, कॉलेज प्रशासन को हम लोग ने दिया ये सारी चीज़ें। सारी चीज़ें देने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उसमें तत्परता दिखाई, उन लोगों को उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी की मांग की, सीसीटीवी कैमरे की मांग की, वो सब कुछ नहीं हुआ। 5 दिन बीत जाता है, 5 दिन के बीच हम लोग 1-2 बार अपना मेमोरेंडम फिर से दिए, सारा ज्ञापन फिर से दिए प्रशासन को, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद से हम लोगों को कार्रवाई अवगत नहीं कराया गया, कोई कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप में दिखी भी नहीं। कल आज सुबह की घटना है, आज सुबह जो अराजक तत्व इस तरह से आए हुए थे, वो सारे अराजक तत्व जो है वो हमारे मेडिकल कॉलेज के 5 रेजिडेंटों के खिलाफ नामजद, टोटल 18 लोगों के खिलाफ किया है उन्होंने, पांच मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ जो सर्जरी के रेजिडेंट थे उनके खिलाफ उन्होंने नामजद 307 का मुकदमा, नॉन अवेलेबल मुकदमा जो है, जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, वो जारी करा दिया उन्होंने। मांग मेरी ये है, हम लोगों की पूरी, सब लोगों की मांग ये है कि जो अराजक तत्व इस तरह से मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दें, उस घटना में जो हमारे यहाँ के थाना अध्यक्ष थे उनके साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की थी।
सारी घटना होने के बाद की ये स्थिति है कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज, हमारे एजेंटों के खिलाफ उनके द्वारा FIR दर्ज करा रहे हो, बिना किसी को जांच किए हुए 5 दिन के बाद आप ये कर रहे हो, ना कोई आप उनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, किस रेजिडेंट ने उनको कैसे मारा, कोई चीज़ नहीं, उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारे एजेंटों के खिलाफ 307 का मुकदमा आप दर्ज कर रहे हो। मेरी मांग ये है कि हमारे जो एंट्री पॉइंट है, सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे PGI में होता है, KGMC में होता है, उसके तर्ज पे आप सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी का घेरा बना दो यहाँ पे। नेपाल से, बिहार से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे रेजिडेंट, हमारे कंसल्टेंट सब बहुत तत्परता से देखते हैं उनको, और इस मेडिकल कॉलेज का इसीलिए महत्व है। लेकिन बहुत से इलिटरेट लोग आते हैं, बहुत सी जनता ऐसी आती है, तो आपको एक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी पड़ेगी। वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में अभी तक कॉलेज प्रशासन, यहाँ का प्रशासन सब नाकाम है। जी हाँ, आप, हमारी मांगे ये हैं, हम बता दे रहे हैं आपको, हमारी मांगे ये हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, सारे एंट्री पॉइंट उनको चेक किया जाए, एक तीमारदार बहुत इमरजेंसी में हो, 2 तीमारदार आप भेज दो, ये आप काम कर सकते हो। जो वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था है, आप गार्ड की प्रॉपर व्यवस्था करो, CCTV कैमरे की व्यवस्था करो। जब हम सुरक्षा के घेरे में रहेंगे तो हम आत्मबल से काम भी कर सकते हैं। सारे रेजिडेंट डरे हुए हैं, सारे रेजिडेंट्स के अंदर बहुत आक्रोश व्याप्त है इस चीज़ को लेकर। हम लोगों ने इस चीज़ में, इस सारी चीज़ों को, मांग को रखते हुए, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे 5ों रेजिडेंट का तुरंत बिना शर्त जो FIR दर्ज किया गया, वो FIR वापस होना चाहिए। अगर वो 5ों रेजिडेंट के खिलाफ FIR दर्ज वापस नहीं होता है, तो हमारा कॉलेज प्रशासन उनके खिलाफ, जो अराजक तत्व, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है, हम पूरे सारे रेजिडेंट जेल चल सकते हैं। आप जितना हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते हो, हम सब सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पेशेंट के साथ, जो गरीब मरीज हैं, जो यहाँ मरीज आ रहे हैं, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। हम लोगों ने इमरजेंसी के सामने एक अपना खुद का, बाहर सारे रेजिडेंटों ने बाहर एक OPD, पैरेलल OPD हम लोग चलाएंगे। यहाँ प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक OPD है, हम लोग 24 घंटे OPD चलाने जा रहे हैं। हम लोग मरीजों को वहाँ ट्रीट करेंगे, जो मरीज ज़रूरत होगी उनको अपने पर से, अपने खर्चे से मरीजों का इलाज भी करेंगे। लेकिन हम लोग कॉलेज प्रशासन की बिल्डिंग में तभी जाएंगे जब हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का घेरा प्रॉपर बनाया जाएगा, और जो हमारे 5ों रेजिडेंट हैं और जो अज्ञात हैं, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किए हैं, वो ख़त्म किया जाएगा। ये बताइए, पिछले 3 महीने से ये बात हो रही है, 3 महीने से हम लोग कई बार नोटिस दे चुके हैं, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच 2 बार नोटिस दे चुके हैं। नोटिस की क्या प्रक्रिया होती है, कॉलेज प्रशासन क्या ये चीज़ किस तरह से नोटिस दिलवाना चाहता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर नोटिस हम लोग नहीं दिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हम लोग तो सबसे पहले, आप लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है, हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा जो प्रशासन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज़, हाँ ये चीज़ हमने नहीं बताया एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम लोग आज से बाहर OPD कर रहे हैं, ये चीज़ बताना मुनासिब भी इसलिए नहीं समझा हम लोगों ने। इतने बार देने के बाद जब कोई प्रयास नहीं हुआ सिक्योरिटी का, और उल्टा हमारे रेजिडेंट के खिलाफ आप FIR कर रहे हो, तो एक तरफ तो आप हमको पीट रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप हमें नोटिस दीजिए, हम किस चीज़ की नोटिस आपको दे दें। एक्चुअली ये घटना 1 सप्ताह पहले की है। हम लोग सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर राहुल सरीन हूँ, और हम लोग अपने वार्ड में काम कर रहे थे, और कुछ लोग फीमेल अटेंडेंट, जो फीमेल अटेंडेंट के साथ थे फीमेल वार्ड में, तो उन लोगों ने जो एक डॉक्टर हमारे थे वो एक फीमेल पे प्रोसीजर कर रहे थे, एक जो मेल, मतलब मेल को अलाउड नहीं है देखना, तो वो मेल एक अटेंडेंट था जो देख रहा था, तो उनको हटाया गया। उस मामले में वो लोग बकझक करने लगे, उन्होंने डॉक्टर से बकझक करा, फिर हमने गार्ड को बुलाया जो हमारे कॉलेज के गार्ड हैं, फिर उन लोगों ने गार्ड से बकझक करी, और फिर फाइनली वो लोग धक्का मुक्की करके और वापस चले गए। ये बोला, मतलब धमकी दी कि हम आप लोगों को देख लेंगे, आप लोग क्यों हमको बाहर कर रहे हैं, मेरा पेशेंट यहाँ पे है, हम नहीं जाएंगे। फिर डॉक्टर्स, हमारा एक रेजिडेंट रूम है वहाँ पे सर्जरी वार्ड में, तो सारे डॉक्टर्स जो है, सुबह 5 बजे 6 बजे की घटना है, 5 से 6 के बीच की, तो वो लोग सब लोग आराम कर रहे थे वहाँ पर, तो ये लोग 15 लोग लाठी डंडे और हथियार से लैस होके आए, और फिर बिना कुछ बोले डॉक्टर्स रूम में घुस गए, और उन्होंने सबकी पिटाई लगाई, जम के पिटाई। हम डॉक्टर्स हैं, वी आर नॉट रेडी प्रिपेयर फॉर एनी फाइट्स, और ना ही हम कोई डंडे और हथियार लेके बैठते हैं, हम पेन और स्टैथ लेके बैठते हैं और इलाज करते हैं मरीज़ का। वो लोग आए इस मोटो से, और वो आके, और हम, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कोई आर्गूमेंट करे, उन्होंने तुरंत सबको पीटना स्टार्ट करा, और 5 जो हमारे जो वहाँ पे JR थे,
जेआर फर्स्ट, जेआर सेकंड और जेआर थर्ड तीनों थे वहाँ पे, तो उनकी सबकी पिटाई लगा दी। और पिटाई लगाने के बाद फिर वो चले गए और अपने मरीज को भी लेके चले गए। फिर वो बोले कि ठीक है हम लोग फिर आते हैं, देखते हैं तुम लोग की क्या औकात है और तुम लोग क्या करते हो। फिर वो लगभग 10 मिनट के बाद वो लोग फिर 20 के मतलब लगभग 20 आदमी 20 की संख्या में आए, और फिर उन्होंने फिर से इमरजेंसी और वार्ड में जो भी डॉक्टर मिले सबको दौड़ा दौड़ा के मारा, सबकी पिटाई लगाई, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स को गंभीर चोटें आईं, मतलब इवन मुझे भी चोटें आईं ऑब्वियसली, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनको फ्रैक्चर आया और मतलब सीवियर इंजरी आंखों में आ गई, और मेरा तो इवन मेरा जो हाथ है ये प्रोमिनेंट है, मतलब मेन मैं इससे राइट हैंडेड हूँ, मेरे राइट हैंड में चोट आई है, और ये है कि इसको स्केफॉइड एक बोन होती है हमारे हाथों में, उसमें चोट आई है मेरे में, और हो सकता है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस इवन हो जाए तो मैं ज़िंदगी भर अपने राइट हैंड का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग रेजिडेंट हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, और काम करने के बाद हमें जिल्लत मिले, हमारी पिटाई हो, और हमसे ऊपर हमारे कॉलेज प्रशासन का भी प्रेशर रहता है कि सब कुछ होते हुए भी आपको काम करना है, आप काम अपना बंद नहीं कर सकते। और बीइंग अ डॉक्टर हम लोग शपथ भी लेते हैं कि हाँ हम मरीजों का हमेशा सेवा करेंगे, तो वो चीज़ हमारे मन में है। इवन हमारे हाथ में चोट लगी है, हम लोग बैठ के ओपीडी यहाँ चला रहे हैं, तो ये मरीजों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉलेज प्रशासन जो है वो नहीं सुन रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी हमारी शिकायतें हैं, कॉलेज प्रशासन से भी हैं, जो कि हम मतलब इतना करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, और हमारे ऊपर इतनी सारी धाराएँ लाद दी गई कि जैसे हम लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हों, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत ये सारी धाराएं हमारे ऊपर से हटाई जाएं और जो हम लोग अपना काम कर रहे हैं उसको स्मूथली करने दिया जाए। हम एचयू रूम में थे, एक साथ 20-25 लोग घुस आए, और हम इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि उन लोगों ने लाठी डंडा हाथ से सब कुछ से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसमें मेरा कुछ लोगों ने पत्थर फेंक के मारा था, जिससे मेरे हाथ में मेटाकार्पल में फ्रैक्चर आ गया, मेरे आँख में पेरीवेंटिकुलर हेमरेज है, सीटी स्कैन में पेरीवेंटिकुलर हेमरेज निकला है, जिससे मेरे सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया। मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है और मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। हाथ मेरा ये राइट हैंडेड मैं हूँ, राइट हैंड मेरा काम नहीं कर रहा, और इससे आगे मेरे सर में और भी ज़्यादा चोट हो सकती है, हो सकता है कि मेरे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या मेरा ही हाथ ना काम करे। तो इस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इतने सब के बाद हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, अपने हाथ में दिख रहा होगा आपको, और साथ में हमारे ऊपर ही धाराएं ला दी गई। मेरे ये यहाँ पे सारी चोटें लगी हैं जो कि MLC में नोटेड नहीं है, यहाँ हाथ में चोट लगी है जो कि नोटेड नहीं है, ये सारी चोटें नोटेड नहीं है, ये हमारा चेन उठा के खींच लिया गया, चेन गायब हो गई, और हमारे ऊपर ही उल्टा ये हो गया कि हमने ये चीज़ें की हैं, हमारे ऊपर लूट की धारा ला दी गई हैं। और ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये सब चीज़ें कि मेरी चेन खींचने की वजह से ये सब चीज़ें चेन मेरी गायब हो गई, जो कि मुझे बाद में पता चला, और उल्टा ये धाराएं हमारे ऊपर ला दी गई हैं। 307 323 मेरे साथ से 307 323 करने के लायक हूँ, मेरा हाथ ये काम नहीं कर रहा है तो मैं 307 323 करने लायक हूँ, या मेरे साथ लूटपाट की घटना हुई तो उल्टा हमारे ऊपर धाराएँ ला दी गई। पुलिस का ये दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है? ये तो हमारे खिलाफ ही तो सारे रवैया है। इसके बाद भी कॉलेज का हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि हम ड्यूटी करें, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे साथ न्याय तो हो, हमारे साथ न्याय तो कहीं किसी भी स्तर से नहीं हो रहा, हमें तो क्रिमिनल बना के पेश किया जा रहा है। ये मुझे जैसा मालूम हुआ है कि शायद कोर्ट की को लेकर के कुछ मुलज चौकी में FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पुलिस विवेचना करने के बाद ऐसा आश्वासन मिला है, वो सारी FIR की जो भी धाराएं हैं देख करके उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। ऐसा कोई केवल कोई FIR देना ही FIR दर्ज थोड़ी हो जाता है, जब तक उसकी विवेचना न हो और तो क्या फैक्ट्स है उससे वाकिफ हो पुलिस उस पर मतलब उस तरीके से निर्णय लेगी। जो भी पेपर में गया है वो ऐसा लगता है कुछ भ्रांति बस ऐसी चीज़ें उसमें छप गई हैं जिससे बच्चे कुछ भयभीत हुए और वो इस तरीके से उन्होंने आकर के हमसे बात की है, उस पर हमने प्रशासन से बात की है और प्रशासन इस पर मतलब बहुत ही सकारात्मक निर्णय ले रहा है। क्या प्रशासन बच्चों के साथ है? नहीं नहीं, कॉलेज तो बच्चों के साथ क्या और न साथ की कोई नहीं है, कॉलेज प्रशासन हमेशा हमारे बच्चे हैं
और जो काम करते हैं उन हालातों को देखते हुए मैं यह है कि कॉलेज की जो भी जिम्मेदारियां हैं, हॉस्पिटल की जो भी जिम्मेदारियां आम पब्लिक को मिलना चाहिए, सारे हालात ठीक रहना चाहिए। देखिए न इस पर भी चल रहा है, कोई भी प्रक्रिया होती थोड़ा समय लगता है, सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, हमने SSP साहब से बात की है, 2 गनमैन वाले राउंड क्लॉक एटा वाली वहाँ लगा दी गए हैं, और हम आर्मी की तरफ से भी सुरक्षा गार्ड रखे हैं, और कुछ प्राइवेट एजेंसियों से भी मैंने बात हो रही है, महानिदेशक से बात, अभी हमने लिखित आदेश मांगा है, होगा वो भी लगाया जाएगा और पास सिस्टम लगाया जाएगा। जैसे कि OPD बाहर कर रहे हैं, उस पे क्या करना? अब ये उनका लुक है, अभी तो ऐसा नहीं, OPD हमारी चल रही है, OPD पर्चे बन रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट देख रहे हैं। अब है जी मानवता के नाते वो कर रहे हैं, तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अभी उन्होंने कहा कि अब 2 बजे तक नहीं, 24 घंटे हम देखेंगे मरीजों को। मरीज तो अस्पताल में वैसे 24 घंटे देखे जाते हैं, अब वो 24 घंटे काम करेंगे, ये अच्छी बात है क्या? इस पर तो हमारी इमरजेंसी 24 घंटे चलती है, OPD तो मरीज आते ही नहीं, 2 बजे के बाद में तो मरीज चला जाता है, जो भी इमरजेंसी है। नहीं, OPD तो OPD 2 बजे तक रहती है, उसके बाद इमरजेंसी जो मरीज होगी इमरजेंसी चला रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी, लेकिन बाहर जो सेवाएं दे रहे हैं उस पर बात चल रही है अभी, उस पर देखेंगे, मतलब उसका सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा। कहाँ से? हम आए हैं पिपराइज से, और ये मेरी बच्ची है, पिछले सोमवार को ये झूला पर से गिर गई थी, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, आज डॉक्टर बुलाए थे सोमवार को दिन, तो हड़ताल चल रहा था, बड़ी मशक्क़त से पर्ची मिली, पर्ची मिलने के बाद ये सूचना मिला कि डॉक्टर साहब जहां बैठे हैं हड़ताल पे वहीं देख रहे हैं, तो हमने जो है इनको लाया और दिखाया, डॉक्टर साहब हमारी परेशानी सुने, मतलब डॉक्टर ने इलाज किया। जी, कोई परेशानी नहीं हुई, खुले आसमान के नीचे इन्होंने अपना कार्यक्रम किया और मेरे समाधान को हल किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे जूनियर डॉक्टरों ने इलाज किया है, जूनियर डॉक्टरों का एक आरोप था कि वे विगत कई दिनों से कुछ मरीजों के परिजनों के द्वारा आए दिन मारपीट होती रहती है, इसको लेकर आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर निकले, लेकिन जूनियर डॉक्टरों का एक ये है कि इस बार हड़ताल करके वो OPD सेवा ठप नहीं किया है, लेकिन वो खुले आसमान पर OPD सेवा कर रहे हैं।